जी काफ़ी बड़ा सा पार्सल मिला है मुझे जीके कार्ड की तरफ से। अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अंदर देखिए इस तरीके से पॉली बैग को अगर हम कट करेंगे तो अंदर बहुत ही बढ़िया गत्ते का पैकेजिंग होगा। इसको भी कट कर लेते हैं। गत्ते को भी अगर हम ओपन करें तो अंदर बबल ट्रैप में हमको कुछ दिखाई दे रहा है। बिग साइज़ की पेपर बैग्स हैं, देखते हैं कौन से कॉमिक्स हैं। तो काफ़ी सेफ पैकेजिंग में ये सब कुछ हमारे सामने आता है। सबसे पहले तो आता है ये एक बिल है शायद। अच्छा ओह, ये भगवान श्री राम का एक पोस्टर सा है। ये हनुमान चालीसा जो कॉमिक्स अड्डा की तरफ से आई थी शायद उसके साथ है। इसमें कॉमिक्स अड्डा का लोगो भी है। तो ये जितेंद्र जी ने आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाया, जो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको। इसको एक बार साइड में रखते हैं। उसके बाद श्री राम और श्री हनुमान जी की जो ये राज चित्र कथा का रिप्रिंट लेकर के आए थे श्री मनीष गुप्ता जी, बहुत मुझे पसंद आई थी और मैंने इसकी 3 कॉपी ऑर्डर कर दी। मतलब पहली कॉपी मेरे पास आई, इतनी पसंद आई मैं देखता रह गया इन कॉपीज़ को। और इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ था, मतलब इनकी प्राइस बहुत कम थी। मनोज गुप्ता जी का जो प्रोडक्ट था यही सेम, उसकी प्राइस 120 रुपीज़ थी, इसकी प्राइस 75 रुपये थी। तो सोचने का, और क्वालिटी इसकी उसकी बहुत दमदार थी इस वाले की। तो मैंने मुझे पसंद आई काफ़ी, तो मैंने ये डबल कॉपीज़ में ऑर्डर कर दी थी। जितेंद्र जी का फ़ोन भी आया था कि आपको डबल चाहिए कि आपने डबल ऑर्डर कर दी है। तो एक ऑलरेडी थी और इसमें भी शायद होंगी वो। अब इसके बाद दो ये बड़े बड़े पैकेट मेरे सामने आते हैं। मैं बिल्कुल भूल चुका था इसको, जब मैंने इसका साइज़ देखा पार्सल का तो मैंने कुछ तैयारी की थी, मुझे लग रहा था क्या हो सकता, पर ये मैं भूल गया था। तो बात करें इसकी, तो संपूर्ण सर्पसत्र का एक डिफरेंट वेरियंट कवर वाला है। पहले इसकी तैयारी मैंने यही करी थी कि जो पहले वाला कवर आर्ट था, पहले वाला कलेक्टर एडिशन मैंने साथ में रखा था, और इसकी नॉवल्टीज़ मैंने साथ में रखी थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक है। तो जो नया कलेक्टर एडिशन आएगा उसके आर्ट वगैरह कुछ कंटिन्यू रहेगी, कुछ बातें करेंगे उसके बारे में। नॉवल्टीज़ का भी कुछ कनेक्शन है, बट इसको फ़िलहाल मैं अलग रखता हूँ, फ़िलहाल साइड में रखते हैं इसको। और इसको मैं अलग से ही अनबॉक्स करूँगा क्योंकि सेलर में ये फ़ायदा होता है, जितेंद्र जी हैं तो जानते हैं मुझे, तो मुझे वो टेंशन नहीं होती कि मैं सारा एक साथ ही अनबॉक्स करूँ, कोई कमी भी होगी तो वो कर देंगे मुझे। तो संपूर्ण सदस्य रखते हैं। अब ये बचती हैं बहुत सारी पेपर बैग्स। ये कौन सी पेपर बैग्स, अब मुझे याद आ गया है, ये सुपर कमांडो ध्रुव की जो जनरल 25 कॉमिक्स आती हैं। ये देखिए मनोज गुप्ता जी का पूरा सेट मेरे हाथ में है अभी, 25 कॉमिक्स वाला। उससे मैं कंपेयर भी कर लूँगा, अनबॉक्स भी कर लूँगा। तो पहले इसी को अनबॉक्स करते हैं। तो अगेन जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि ये श्री राम वाली जो है और हनुमान जी वाली मैंने डबल कॉपी ली थी, तो इसी पैकेट में डबल कॉपी निकल रही है। आई थिंक जितेंद्र जी ने शायद पहले पैक कर दिया होगा, उसके बाद मुझे फ़ोन किया होगा, तो वो बाकी ऊपर से रख दी थी। मतलब ऐसी क्वालिटी पूछो मत आप। तो ये डबल कॉपी दे रही है, इससे पहले वाली कॉपी अलग है। तो इसका तो इसका डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। अब ये 32 पेपर बैग बचती हैं। आई एम सॉरी, नोट 32, 32 पेज की 25 पेपर बैग। तो कंपेयर करते चलेंगे, देखते हैं किस सीक्वेंस रखी है इन्होंने। चंडकाल की वापसी, आई थिंक ये रिवर्स में है, तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं पोज करके बेटर रहेगा। आइए काउंट कर लेते हैं क्या करके। तो पहली है प्रतिशोध की ज्वाला, मनीष गुप्ता जी वाली, और ये है मनोज गुप्ता जी वाली। मनोज गुप्ता जी वाली के कलर थोड़े पंची हैं और साइज़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, मतलब ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो रहने वाला है। बस मेरा एम ये था कि मैं कंपेयर कर सकूँ थोड़ा बहुत वही। अच्छा इसका भी एक ना बैक स्टोरी यही है एक्चुअली। जब मैंने राम और हनुमान जी वाली जो ये जो चित्रकथा है, इसकी क्वालिटी देखी ना हाथ में लेते, उसी वक्त मैंने ये सेट ऑर्डर करा, अदरवाइज़ मैंने सेट ऑर्डर नहीं किया था। ये एकमात्र ऐसा सेट था मनीष गुप्ता जी वाला जो मैं स्किप कर रहा था क्योंकि इनकी काफ़ी कॉपीज़ मेरे पास हो गई थी ऑलरेडी। प्रिंटिंग इनकी थोड़ी लाइट है, जैसे संजय गुप्ता जी की जो ध्रुव की बुक्स आई थी वैसी। और क्योंकि संजय गुप्ता जी की बुक्स को हम काफ़ी प्रीमियम कंसिडर करते हैं, तो वो इस साइज़ में थी, तो ये और भी प्रीमियम मानी आ सकती है। बट इसमें क्या होता है कि जब आप साइज़ का इसका प्रोपोर्शन बढ़ाते हो ना, तो ये टेक्स्ट देखो बड़ा था वो छोटा हो गया, लोगो बड़ा था वो छोटा हो गया, और कॉमिक्स बड़ी होगी तो थोड़ा सा एक आपको प्रोपोर्शन थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है। बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब आप इसको बिना कंपेयर करें इंडिविजुअल देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बैक कवर देखोगे तो आपको कलरिंग में डिफरेंस मिलेगा, इसमें थोड़ा सा कलरिंग में चेंज, डिजिटलाइजेशन किया गया, कुछ चेंज किए गए। तो चेंजेस की बात करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए, अलग वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। एक एक करके देख लेते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला फर्स्ट, दूसरा है रोमन हत्यारा। सीक्वेंस भी काफ़ी ठीक लग रहा है इसका। रोमन हत्यारा में एक बात मुझे कुछ खास लगी नहीं थी, मतलब इन्होंने ये फॉन्ट चेंज किया था जो इतना कुछ खास लग नहीं रहा था, बट स्टिल आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके बारे में, साइज़ का डिफरेंस है। क्वालिटी लेकिन अच्छी है, आप ऐसा बुरी नहीं बोल सकते क्वालिटी को। पेजेस वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए, मैट फिनिश वाले। बैक में जैसा मैंने बोला कि कलर पर थोड़ा काम किया गया है, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं डेफिनेटली। यहाँ भी कुछ चेंज किए गए हैं, बोल रहे थे कुछ ब्लैक एंड वाइट एड को कलरफुल किया गया है। हाँ तो मतलब कुछ कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। अब उसको डिफरेंस की बात करेंगे धीरे धीरे आराम से, अब एक एक करके कंपेयर करते हो। आदमखोरों का स्वर्ग कवर्स आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर समझ में आएगा।
पंछी या ज़्यादा ब्राइट है वो मनोज गुप्ता जी वाली है। स्वर्ग की तबाही तो आप क्लियरली देख पाओगे, देखो कलर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से लाइट हो गए हैं कलर। बाकी एज सच ये प्रोडक्ट कुछ और, हाँ प्राइस डेफिनेटली, तो इनकी प्राइस जो है 100 रुपीज़ है जो छोटे साइज़ वाली हैं, और बड़े साइज़ वाली की प्राइस 75 रुपये है, और मतलब वो एक फ़र्क पड़ जाता है। मैंने जो आपको राम और हनुमान में बताया था, मौत का ओलंपिक। चलिए एक एक काम करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसको धड़ाधड़ में काउंट कर लेता हूँ। समुद्र का शैतान मनोज जी वाली मैंने अच्छे से काउंट कर रखी है, सीक्वेंस जमा रखी, तो इससे बड़ी जल्दी वेरीफाई हो जाएगा सब कुछ। बर्फ़ की चिता रूहों का सिकंजा, यार सीक्वेंस बिल्कुल सही है, जैसी सीक्वेंस होनी चाहिए थी सीक्वेंस बिल्कुल वैसी ही है। रूहों का सिकंजा पीछे देखो, आप देख सकते हो कैसे इसमें फ़ॉन्ट वगैरह में चेंज किए गए। लहू के प्यासे, ये कवर मुझे लग रहा था कि अनुपम सिन्हा जी वाला आएगा, लोगों को इस पर आपत्ति थी, इसमें मनोज जी वाला कवर ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो अनुपम जी वाला आता तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए था, वो भी एक अच्छा कवर था, एक अलग वेरियंट कवर मिल जाता, कोई नहीं। महामानव साइज का डिफरेंस है आपके सामने। वुडू फिर अच्छी परिचय रही, पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी कॉपीज़ हो गई हैं, बस और कोई परेशानी नहीं थी, तो ये बस यही होता है ना, एक ओरल पब्लिसिटी का ही फ़ायदा मिलता है। अब जैसे राम और हनुमान जी वाला जो कॉम्बो मुझे पसंद आया तो मैंने तुरंत ये ऑर्डर कर दी, मुझे मौत चाहिए। बहरी मौत एक तो ऑब्वियस डिफरेंस है, फिर अंदर की क्वालिटी की बात कभी करेंगे, या फिर मैं लास्ट वीडियो एंड करते रहते कुछ कंक्लूड कर दूंगा। उड़न तस्तरी के बंधक, पर हाँ ये मैं बोलूँगा कि इस साइज़ में पहली बार इंडिविजुअल पेपर पे आए हैं, बिग साइज़ में संजय गुप्ता जी के डाइजेस्ट बलिया आए हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल पेपर पे एक पहली बार इस साइज़ में देखने को मिले हैं। और अगर इसको मनोज गुप्ता जी भी बिग साइज़ में लाते तो काफ़ी कॉस्टली, आई थिंक ये कम से कम 120 और 150 रुपये तक तो जाती, तो प्राइस तो सच में ठीक रखी है इन्होंने। विनाश के वृक्ष और जीके कार्ट ने कुछ डिस्काउंट भी दिया था शायद इस पर 5% वगैरह, तो वो एक अच्छी बात निकल के आती है सामने। चैम्पियन किलर ये काफ़ी फेमस होता है, इसकी ओरिजिनल से डिटेल्स मिलती नहीं है, बट इसमें है और कलरफुल है, लेकिन थोड़े चेंजेस किए गए हैं इसमें, से डिटेल्स की अच्छी थोड़ी छेड़खानी करी गई है। मनोज जी वाली आपको एकदम ओरिजिनल फील देगी जैसे आई थी वैसे। आखिरी दाव और इसी का स्टैंड ही बना रहे हैं मनीष गुप्ता जी, आखिरी दाव वीडियो विलन, लेकिन अच्छी लग रही है, अगर आप बाद में लोगे तो आपको कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेमिनेटेड मिलेंगे, वो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो विलन क्यों नहीं नज़र आया, ये इस वक्त आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, पागल काती लोग टोली इधर है, हो सकता है कि इसका सीक्वेंस ठीक हो, मेरा सीक्वेंस गलत हो। पागल काती लोग टोली वीडियो विलन अब आएगा मनोज गुप्ता जी वाला, मैंने यहाँ पे रख रखा उसका ढेर का, जो भी हो पहले वीडियो विलन है तो मैं भी ऐसे कर देता हूँ, फिर पागल कातिलों की टोली। थोड़ा सा उलट पलट के देखने से क्या होता है कि आपको थोड़ा, और अच्छी बात है ना कि प्रीमियम नेस में भी जो इन्होंने बड़ा साइज किया, पेज नंबर रखे हैं, पेज नंबर होने ही चाहिए। ब्लैक कैट कवर्स मुझे पर्सनली मनोज जी वाले ठीक लगे, ये थोड़े लाइट लगे पर कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बहुत बढ़िया है इनकी। रोबो का प्रतिशोध दलदल बिग साइज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ध्रुव के कॉमिक्स को, ये 32 पेज वाली बिग साइज फर्स्ट टाइम आई है। उड़ती मौत और सीक्वेंस अरेंज, मुझे मनोज जी वाले में भी सीक्वेंस अरेंज नहीं मिली थी, इसमें मिली है। इसके बाद में जो है चंडकाल की वापसी, लास्ट कॉमिक्स है चंडकाल की वापसी। खैर पूरा सेट मिल गया, और हाँ बैक कवर का इतना अच्छा इसको ग्लोसी बना रखा है इन्होंने फुल लेमिनेट वगैरह करके, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा इसको हाथ में लेकर के। क्या रेग्रेट बिल्कुल नहीं है, अच्छा डिस्काउंट मिली है, बढ़िया कॉमिक्स मिली है, अंदर की क्वालिटी देखे तो इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ कलर्स लाइट हैं, अब डिपेंड करता है आपको कैसे कलर पसंद है, डेफिनेटली कलर्स थोड़े लाइट हैं इसके। खैर तो इस अनबॉक्सिंग को यहीं पे सीमित रखना उचित रहेगा, इसके बाद मैं संपूर्ण सर्प सत्र को अलग से कवर करना चाहूँगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कंपेयर के लिए मैं एक बार फिर से कुछ करूँगा ट्राई, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।